हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं अपने बजाज सिटी 110 BX का और रिव्यू लेके आया हूँ। मैंने इस गाड़ी को 5629 किलोमीटर चला चुका हूँ अभी तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं आपसे आज शेयर करूँगा कि आज तक का मेरा अनुभव कैसा रहा इस गाड़ी से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस गाड़ी का अनुभव बहुत ही शानदार रहा है अभी तक। मुझे अभी इसके साथ कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है और ये बहुत ही शानदार बाइक है। तो पहले मैं बात करूं इसके खर्चे के बारे में, तो इसकी दो सर्विस हो चुकी है। उस सर्विस के अलावा मुझे एक रुपया भी नहीं लगाना पड़ा है। बस मैंने इसमें इसके इंडिकेटर्स में मैंने बर्जर को ऐड करवा दिया है। पहले क्या था, बाय डिफ़ॉल्ट जो आते हैं इंडिकेटर्स उसमें बर्जर नहीं होता है, जिससे कई बार जो हम कहीं मुड़ते हैं तो पीछे वाले ध्यान नहीं दे पाते हैं और दिक्कत होती है। तो मैंने इसमें बर्जर ऐड करवा दिया है। अगर इसमें आप कहीं मुड़ेंगे, इंडिकेटर ऑन करेंगे, तो आपको ये साउंड आपको सुनने को मिलेगा। इसके अलावा मैंने एक भी रुपए का कोई सामान इसमें नहीं लगाया है और गाड़ी अच्छी चल रही है। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी मुझे इसका माइलेज 70 के आसपास मिल रहा है और इसकी पावर पिकअप में मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस रेंज की गाड़ी के लिए बहुत ही बेहतर है। इसके थर्ड गियर में जो पावर मिलता है वो लाजवाब मिलता है। 70 तक गाड़ी बहुत आराम से पहुंच जाती है, कोई दिक्कत नहीं करती है। और इसका अगर मैं बात करूं एक कमी का, तो इसमें एक कमी मुझे ये लगी है कि इसका जो रियर ब्रेक है, रियर ड्रम ब्रेक, वो थोड़ा सा उसमें ग्रिपिंग कम मिलती है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तब कुछ स्टॉपिंग पावर कम मिलती है और गाड़ी थोड़ी दूर जा कर रुकती है। इसमें यही मुझे एक कमी लगती है। बाकी इसका जो है फ्रंट ब्रेक बहुत ही बढ़िया है, इससे स्टॉपिंग पावर बहुत ही अच्छी मिलती है और गाड़ी जल्दी रुक जाती है। और दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं, ये गाड़ी सेल्फ स्टार्ट है, तो आज तक मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। मेरी गाड़ी कई कई घंटे बारिश में भीगी है और मैंने जब उसको ऑन किया है तो एक बार में ही सेल्फ लेने में स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और अगर बात करें कम्फर्ट की, तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आपको देखना होगा कि आपकी गाड़ी की रेंज क्या है, आपकी गाड़ी आपने कैसी ली है। तो ये गाड़ी जैसे मैंने ली है मैं संतुष्ट हूँ। और अगर आपको एक स्ट्रेच में 70-80-90 किलोमीटर करना है कवर, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। इन सब गाड़ियों में आपको बहुत ज़्यादा कम्फर्ट नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर तुलना की जाए और गाड़ियों से तो उनकी तुलना में ये ठीक है, अच्छा है। इसके सस्पेंशंस भी अच्छे हैं और गड्ढों को अब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी जर्क को। लेकिन इसमें यह है कि अगर प्लेटिना से कंपेयर करेंगे आप, तो प्लेटिना के बराबर तो कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिस हिसाब से इस गाड़ी को बनाया गया है रफ एंड टफ, उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है दोस्तों। रही बात इनकी टायर्स की, इनके टायर्स बहुत ही अच्छे हैं। इसका रेयर टायर तो बहुत ही शानदार है और इसमें ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। यदि रोड थोड़ा ख़राब भी है, फिर भी आपको ग्रिपिंग अच्छी मिलेगी। इसका फ्रंट जो टायर है वो थोड़ा पतला है, लेकिन वो भी अच्छा दिया है कंपनी ने, अच्छा दिया है। और अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं ख़रीदने को, तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी का ओवरऑल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, सब कुछ कम है। अभी तक मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, गाड़ी कहीं भी रास्ते में मुझे धोखा नहीं दी है और बहुत ही बढ़िया चल रही है। और जिस तरह से पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है दोस्तों, तो उस हिसाब से इसका माइलेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। जल्दी ही मैं इसका एक माइलेज टेस्ट करने वाला हूं, क्योंकि बहुत पहले मैंने टेस्ट किया था और इसके बाद मैं जल्दी ही टेस्ट करूंगा इसका माइलेज। 100 ml पेट्रोल डाल के मैं चेक करूंगा बहुत जल्दी ही, नया वीडियो डालूंगा दोस्तों। और एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा दोस्तों कि इसके जो हेडलाइट है जिसका, वो काफ़ी अच्छा है। अगर और गाड़ी जो है इसके रेंज में कंपेयर करें, तो इसका ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा है और रात में आपको अच्छी विजिबिलिटी मिल जाएगी, जैसा कि हीरो की गाड़ियों में आपको इस रेंज में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको रिव्यू कैसा लगा बताइएगा, और यदि कोई क्वेरी हो तो